आपका स्वागत है दोस्तों। मारुति सुजुकी वैगनआर है, 2012 मॉडल है और इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि इसका जो स्पीडोमीटर है ये गाड़ी रनिंग करने के टाइम पे क्लस्टर मीटर में शो नहीं होता है। तो इस फॉल्ट को ट्रेस करेंगे और फॉल्ट को क्लियर करेंगे। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने उसका स्पीडोमीटर सेंसर और ये क्लस्टर मीटर भी डाल दिया तो भी ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रहा है। आपको एक बार मैं सेंसर दिखाता हूँ। ये उसका स्पीडोमीटर सेंसर है और उसका लोकेशन गियर बॉक्स के ऊपर रहता है और ये सेंसर व्हीकल की स्पीड की गति कितनी है वो ECM को सिग्नल के थ्रू बताता है और ECM फिर एयर फ्यूल रेशियो उसका मेंटेन करता है और ये किलोमीटर का भी जो किलोमीटर पर हॉर्स कितना चलती है गाड़ी उसका भी ये इस पर रीडिंग देता है नीडल के थ्रू क्लस्टर मीटर पर। तो ये किलोमीटर का भी फॉल्ट नहीं है सेंसर का और ये क्लस्टर मीटर भी डाला है तो इसका भी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है वो भी अपन ट्रेस करेंगे और उसको क्लियर करेंगे। और उसका वायरिंग भी चेक किया मैंने तो वायरिंग में भी उसका सप्लाई आ रहा है। उसका सप्लाई ग्राउंड और आउटपुट सिग्नल तीनों में वोल्टेज आ रहा है फिर भी स्पीडोमीटर इसका काम नहीं कर रहा है। तो इसको अपन देखते हैं लाइव फॉल्ट। तो एक बार मैं गाड़ी चालू करके दिखाता हूँ आपको और एक बार गाड़ी को अपन स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई तो अपनी गाड़ी स्टार्ट है और उसका जो व्हील है वो मैंने ऊपर उठाया हुआ है इससे आप तो जैसा भी मैं गियर डालूँगा तो ये व्हील जैसा भी घूमेगा तो यहाँ पे किलोमीटर चलना चाहिए लेकिन इसमें नहीं चल रहा है। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम किधर है। तो एक बार मैं गियर डालता हूँ। गियर डाल के इसको थोड़ा मैं व्हील को थोड़ा आगे लेने का कोशिश कर रहा हूँ और बाहर से देखेंगे तो व्हील घूम रहा है। देखो व्हील लेकिन यहाँ पे किलोमीटर उसका शो नहीं हो रहा है। ये मैं गियर भी डाल रहा हूँ तो इस फॉल्ट को अपन चेक करते हैं, स्कैनिंग करते हैं एक्सटूल PS70 प्रो स्कैनर के ऊपर और उसका DLC कनेक्टर लगा दिया मैंने। इग्निशन स्विच ऑन है। चलते जाते हैं डायग्नोस में। मारुति डायग्नोस्टिक इन सुजुकी ओल्ड मीनू वैगनआर कम्युनिकेशन चल रहा है। ये अपना MT है मैनुअल है ट्रांसमिशन ओके। यहाँ पे आ गए वैगनआर इंडिया ओके। सिस्टम सिलेक्शन में जाते हैं और इंजन पावर ट्रेन को एक बार रीड करते हैं। रीड ट्रबल कोड तो यहाँ पे फॉल्ट कोड कोई शो नहीं हो रहा है तो ये गाड़ी ज़्यादा चलने के बाद फॉल्ट कोड जनरेट होता है। तो ऑलरेडी मैंने फॉल्ट क्लियर किया था उसका तो अभी फॉल्ट कोड नहीं आएगा। जैसा भी गाड़ी रन होएगा तो फॉल्ट कोड जनरेट हो जाएगा तो अभी फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है लेकिन अपन एक बार लाइव डाटा में उसका रीडिंग चेक करेंगे क्योंकि कभी कभी क्लस्टर मीटर भी ख़राब रहता है तो आपको क्लस्टर मीटर पे शो नहीं करेगा लेकिन उसका रीडिंग यहाँ पे दिखाई देगा। तो वो भी कैसा चेक करने का वो भी आपको मैं बताता हूँ कि कुछ केस में आपका जो क्लस्टर मीटर ख़राब रहता है। इसका तो ऑलरेडी मैंने दूसरा डाल के देख लिया लेकिन आपके पास मीटर नहीं है तो आपको भी डायरेक्टली स्कैनर के ऊपर भी चेक करते हैं कि अपना मीटर ख़राब है तो भी अपने को पता चलेगा। तो उसके लिए अपन लाइव डाटा में एक बार लाइव डाटा चेक करते हैं और सीधा अपन चेक करेंगे इसका व्हीकल स्पीड जो 10 नंबर में है उसको अपन टिक करते हैं और ओके करेंगे। तो यहाँ पे 0 आ रहा है किलोमीटर पर हर्स तो उसको एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ।
गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया। तो जैसे भी मैं गाड़ी को रन करूँगा, क्योंकि मैंने आगे का फ्रंट का राइट साइड का व्हील उठाया हुआ है, तो गाड़ी मूव करूँगा तो ये यहाँ पे जीरो से ले के ऊपर वो अपना जो रीडिंग 1 2 3 4 5 10 ऐसा सब आना चाहिए। तो एक बार मैं गियर डाल के दिखाता हूँ, ये मैंने फर्स्ट में डाल दिया और क्लच थोड़ा थोड़ा उठाता हूँ मैं, और ये अपना व्हील भी आगे का घूम रहा है देखो। तो व्हील घूम रहा है, तो अपन इस पर भी अभी रीडिंग चेक करेंगे कि इसके ऊपर जो रीडिंग है वो इसका बढ़ रहा है क्या। नहीं बढ़ रहा है, जीरो ही आ रहा है। और वापस एक बार मैं सेकंड डालता हूँ, लेकिन ये रीडिंग बढ़ नहीं रहा है। तो और जिसका कुछ केस में मीटर ख़राब रहेगा तो भी इस पर रीडिंग शो करेगा, मतलब मीटर ख़राब है उसका, लेकिन इस केस में तो ये जीरो ही बता रहा है। तो आगे अपन एक बार उसका लोकेशन, वायरिंग सप्लाई और फॉल्ट क्या है वो भी चेक करते हैं। वैगनार के सीरीज, और इसका जो सेंसर का जो लोकेशन है ये गियर बॉक्स के ऊपर लगा रहता है, क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। आपको एक बार मैं इसका दिखाता हूँ सॉकेट, उसको एक बार मैं खोलता हूँ। तो इसका मैंने इस किलोमीटर जो स्पीड सेंसर का है, व्हीकल स्पीड सेंसर का, उसका सॉकेट निकाल लिया। और ये तीन वायर का है, तो इसमें एक सप्लाई वोल्टेज रहेगा पावर, और दूसरे में ग्राउंड है, और थर्ड में आउटपुट सिग्नल रहेगा सेंसर का। तो उसमें अपन एक बार सप्लाई चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो उसके लिए आपको जो मल्टीमीटर है उसको 20 वोल्ट डीसी में सेट करना है, और इग्निशन स्विच ऑन कंडीशन होनी चाहिए। तो अपना इग्निशन स्विच ऑलरेडी ऑन है, तो एक बार उसका अपन सप्लाई चेक करते हैं। और फर्स्ट वायर में देखते हैं पहला पावर आ रहा है क्या। तो उसके लिए अपन इस जो ब्लैक प्रोब है उसको निगेटिव में लगाते हैं ग्राउंड में, और एक बार उसका सप्लाई चेक करते हैं कि उसके अंदर जो पावर सप्लाई आ रहा है क्या। इग्निशन स्विच ऑन कंडीशन में इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए। तो इसका जो एक नंबर वायर में मैंने लगा दिया, ये ब्राउन वायर है, और इसमें देखेंगे तो मल्टीमीटर पे इसका जो बैटरी वोल्टेज शो हो रहा है 12.50 आ रहा है वोल्ट। और अभी सेकंड वायर में देखेंगे, और सेकंड वायर के लिए आपको इसका जो ग्राउंड है चेक करने के लिए आपको इसको, इस प्रोब को पॉजिटिव में लगाना पड़ेगा। और दूसरी प्रोब को सेकंड वायर को लगाना पड़ेगा। तो जो सेकंड वायर है जो बीच वाला सेंटर का, वो ब्लैक है, उस पर मैंने लगा दिया है ब्लैक प्रोब। और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो इसका 1249 वोल्ट आ रहा है, मतलब इसका ग्राउंड भी सही है। और थर्ड वायर अपन चेक करेंगे आउटपुट सिग्नल, और उसके लिए अपन जो ब्लैक प्रोब है वो ग्राउंड में लगाएंगे। और इसका जो थर्ड वायर है ब्राउन में ब्लैक है, और इसमें अपन लगा दिया रेड प्रोब, और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज शो है यहाँ पे 4.64 वोल्ट, मतलब ऑलमोस्ट 5 वोल्ट। तो इसमें जो आउटपुट सिग्नल है उसमें भी सप्लाई आ रहा है, सप्लाई पावर भी आ रही है और ग्राउंड भी आ रहा है, फिर भी यहाँ पे जो किलोमीटर है स्पीडोमीटर सेंसर वो काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए अपन सेकेंड स्टेप में इसका देखेंगे कि इसका जो ECM है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, उसको एक बार चेंज करके देखते हैं, क्योंकि उसका ऑलरेडी मैंने सेंसर भी चेक किया है और क्लस्टर मीटर भी चेंज किया और वायरिंग में सप्लाई भी आ रहा है। तो अभी टेस्टिंग पर्पस के लिए एक दूसरा गाड़ी का है, तो एक बार उसको अपन लगा के देखते हैं। कि ये जो फॉल्ट कोड है, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो क्लियर हो रहा है क्या। तो दूसरा एक बार लगा के देखते हैं।
और इसका जो स्पीडोमीटर सेंसर का जो सॉकेट है उसको भी मैं एक बार फिक्स कर देता हूँ जगह पे। तो स्पीडोमीटर सेंसर का भी सॉकेट प्रॉपर लगा दिया मैंने, और एक बार दूसरा ECM भी लगा के देखते हैं। लॉक कर। तो इसको अपन दूसरा ECM भी लगा दिया है, और ये गाड़ी का है, और ये अपन ने दूसरा डाला है। तो इसको ऑलरेडी मैंने कोडिंग कर दिया है, तो अपन डायरेक्ट फॉल्ट देखेंगे और कोडिंग कैसा करता है उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बहुत सारा डाल दिया हुआ है। तो देखते, और उसमें और एक है कि जैसे भी ECM लगा दिया तो मैंने जो सप्लाई देखा था पहला वाला, सेम सप्लाई अभी भी है, उसमें उतना ही सप्लाई आ रहा है, लेकिन जो पहले वाले सप्लाई में अपना स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा था। और अभी देखते हैं ECM लगाने के बाद, तो एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी अपनी स्टार्ट होगी और अभी गियर डाल के देखते हैं, क्योंकि उसका जो व्हील ऑलरेडी मैंने उठाया हुआ है, और ये जो CNG का जो साइन है वो ब्लिंक कर रहा है, और उसका रीज़न है कि ये जो ECM है ये पेट्रोल का है और गाड़ी है CNG, तो मैंने टेम्पररी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए डाला है। तो एक बार अपन गियर डाल के देखते हैं। फर्स्ट डाल दिया मैंने, अपना व्हील ऊपर उठाया हुआ है, और अंदर देखते हैं तो ये अपना स्पीडोमीटर चलना चालू हो गया। तो इस केस में उसका ECM फॉल्टी है, इसकी वजह से ये जो किलोमीटर वो काम नहीं कर रहा था। और उसका एक बार अपन स्कैनर पे उसका लाइव डाटा भी चेक करवाता हूँ, कि लाइव डाटा भी उसके ऊपर भी अपन चेक कर सकते हैं। कुछ केस में मीटर का प्रॉब्लम रहेगा तो भी आपको इससे पता चल जाएगा, या फिर आपको और रीडिंग भी चेक करना है तो रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। तो व्हीकल स्पीड को सिलेक्ट करते हैं, ओके करेंगे, और ये जीरो बता रहे हैं, लेकिन जैसा भी मैं गियर को मूव करूँगा, फर्स्ट डाला है मैंने, तो ये इसका रीडिंग चलना चालू हो गया। तो ऐसे भी आप मीटर को भी कंफर्म कर सकते हैं, या फिर आपको रीडिंग चेक करना है तो भी आप रीडिंग चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहेगा। जय हिंद दोस्तों।